हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वाला सर। सो हम आपके दोस्त होस्ट और आ गए हैं हम वाराणसी के सारनाथ मंदिर में। इसे स्तूपा भी बोलते हैं लोग और यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक्चुअल में हम यहाँ CBSE नेशनल खेलने आए थे, तो हमने सोचा कि अपने बच्चों को हम सारनाथ घुमा लें, और सारनाथ घुमाने के बाद हम उन्हें कहीं आगे भी ले जाएंगे, जो वाराणसी खूबसूरती है वो दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको चारों तरफ एक बार घुमाकर दिखाए कि सारनाथ की खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। यहाँ बहुत सारे स्तूपा बने हुए हैं, बहुत सारी जो है सो आपको पत्थरों और ईंटों से बने हुए चीज़ें दिख जाएंगी, जहाँ बैठकर लोग योगा किया करते थे। पर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, नज़ारा बहुत अच्छी है इधर की। हम कुछ पल यहाँ गुजारेंगे और आपको धीरे धीरे आगे आगे दिखाएंगे कि सारनाथ धाम कैसा है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। बने रहिए स्पोर्ट्स वाला सर के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे जाओ सर। ओके सो वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वाला सर। और अब हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं सारनाथ की रास्तों से। आप देख सकते हैं रास्ते काफ़ी क्लीन है, बट यस प्रॉब्लम जरूर है, यहाँ आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि अपना अपना पानी का बोतल जरूर साथ में लेके आए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देखो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखिए कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको करीब से दिखाए कि किस तरीके से ये बने हुए हैं। लोग यहाँ बैठकर योगा आसन किया करते थे, नॉट मैनी सेंचुरीज से ये बनी हुई है। कई लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए, इवन People from many countries come here to visit. Actually, we have came here to play athletics event. And after the event is over, we have came to explore Varanasi and that also Sarnath Dham. So this is the beauty of nature. You can see all around temples is also there. Not many people come here daily to visit this place. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मैं आगे आगे दिखाऊंगा कि यहाँ जब आप धीरे धीरे आगे जाएंगे तो आपको चारों तरफ रास्ते भी बताए जाएंगे कि अभी आप यहाँ से जाएंगे तो आपको वे टू अशोकन पिलर जाने का, अगर आपको अशोका स्तंभ की तरफ जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, अगर आपको धरा चक्र जन विहार की तरफ जाना है तो आप धर्म चक्र की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से भी आपको रास्ता मिलेगा, यहाँ से भी आपको रास्ता मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और हम आगे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं सारनाथ में नीचे से थोड़े ऊपर की तरफ, देख सकते हैं आप हम जमीन से ऊपर आ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उड़ना चालू कर दें, जमीन से ऊपर आओ। जिंदगी में जैसे जैसे ऊपर बढ़ो, खुद की समानता और खुद की जो विशेषता है उसको हमेशा नीचे रखा करो, तो आप जमीन बहुत जल्दी आगे बढ़ पाओगे। और अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं सारनाथ में गार्डन्स के बीच में। जैसे खूबसूरती देख सकते हो आप गार्डन्स की, बहुत मेहनत किया गया है गार्डन्स में, और ये चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। मैं आपको थोड़े थोड़े स्टोन्स भी दिखाऊंगा जो यहाँ प्लेस किए गए हैं। और ये जो ट्री आप देख पा रहे हो ये बेम्बू ट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री बोलते हैं इसको, और पता नहीं यहाँ कितना फास्टेस्ट ग्रो हुआ है ये, लेकिन सूखता जा रहा है, शायद पानी की कमी हो गई है इसको। पर ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो आप यहाँ से, क्योंकि यहाँ अंधेरा हो चुका है बिकॉज सनलाइट थोड़ी कम आ रही है इधर पे। और बहुत ही खूबसूरत है सारनाथ, लोगों से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ घूमने आए और ज़रूर इस खूबसूरती का नज़ारा ले। तो मिलते हैं थोड़े दिन बाद अगले वीडियो में। हम लोग भाई ऐसे गए थे और नीचे वहाँ पे वो ध्यान सो वेलकम बैक। अब आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारी स्टोन्स रखी हुई है, बहुत ही खूबसूरत स्टोन्स है यहाँ पे, और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। इस नज़ारे पे आप देख सकते हो स्टोन्स में कलाकृति की गई है जो कि अद्भुत है, जो कि आज की इंजीनियरिंग भी शायद ना कर पाए। आप देख सकते हो किस तरीके से और कितनी पुरानी है, सब पे एक यूनिक नंबर दिया गया है ताकि इसे याद रखा जा सके। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है इसका, चारों तरफ आप देख पा रहे हैं। और आप जब भी यहाँ आए जरूर इस जगह पर आकर कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आप क्लिक कर सकते हैं, यादों को याद रख सकते हैं। यहाँ से बहुत अच्छी बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ आती है। मैं कैमरामैन से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि हमारी फ़ोटोज़ भी खींचना चालू कर दें ताकि इन मेमोरीज़ को हम आगे लाइफ टाइम तक रख सकें। मिलते अगले वीडियो में, चलेंगे जब आगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाऊंगा। सो धन्यवाद। ओके सो वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वाला सर। वी हैव केम हियर टू रिप्रेजेंट इन नेशनल लेवल एथलेटिक्स, नाउ वी आर एट सारनाथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आप हिरन देख सकते हो, देखिए कितने आपको हिरन दिखाई दे रहे होंगे। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि जूम करके आपको हिरन दिखाए।
दिख रहा है आपको हिरन, ये बहुत ही चिड़ियाघर जैसा बनाया गया है और यहाँ पे जो है सो आपको एनिमल्स ही मिलेंगे। सो दिस इज सारनाथ एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द एथलेटिक्स इवेंट वी हैव केम हियर फॉर एक्सप्लोरिंग द वाराणसी। आपको नजदीक से बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, ये जो है तो हिरन है। और ये है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नजारा, आप यहाँ से भी देख सकते हो। इस तरफ आपको बहुत खूबसूरत दिख रहा होगा सारनाथ, और क्योंकि सर वहाँ चले गए हैं तो हम वहाँ चलते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मत कर यार, आपको बताता रहूंगा खूबसूरती सारनाथ की। तो अब हम आ चुके हैं मूलगंध विधि विहार में। आप देख सकते हैं यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपको सहनसा वाली फीलिंग आएगी और ये यहाँ से वहाँ तक आपको रास्ता तक का रास्ता दिखेगा। तो आप है स्पोर्ट्स वाला सर के साथ, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए हमें स्पोर्ट्स वाला सर। ये चैनल बहुत ही खास है सभी स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए। आप देख सकते हैं हम है सारनाथ धाम, यहाँ से बहुत ही क्लोज व्यू आपको दिख रहा होगा। ये टूपा है यहाँ का और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है पूरा वहाँ तक आपको दिख रहा होगा। नज़ारे बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ से फोटो ली जा सकती है। वहाँ आप देख पा रहे होंगे अच्छे बैठे हैं जो टोपी के आकार का पेड़ बनाया गया है, जिसके नीचे बैठकर आप आरामदायक तरीके से ठंडक महसूस कर सकते हैं। क्यों पेड़ लगाना चाहिए ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। और ज़रूर आइए एक बार सारनाथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, हम चलते हैं स्तूपा की ओर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वाला सर, अब हम आ चुके हैं सारनाथ स्तूपा के पास। अभी आप इसमें देखिए किस तरीके से, कितनी पुरानी है ये, इसमें किस तरीके से काम किया गया है, पत्थरों के ऊपर डिज़ाइन देख लीजिए आप, क्योंकि ये लकड़ी अब धीरे धीरे मुड़ती जा रही है तो अब कुछ कर नहीं सकते इसमें। बट ये जो है सो बहुत ज़्यादा पुराना है और स्तूपा पे काम भी चल रहा है, कई वर्षों से इसको मेंटेन करके रखा गया है। सरकार जरूर कोशिश कर रही है कि इसको बहुत सालों तक और मेंटेन रखा जाए। और आप देख सकते होंगे यहाँ से ये कितनी बारीकी से पत्थरों को काट काट कर यहाँ काम किया गया है और नज़ारा है। हर बार आप आएंगे इधर तो आपको थोड़ा थोड़ा ये रिकग्नाइज होता हुआ दिखेगा। आप देखिए यहाँ पत्थरों पर काम किया गया है लेकिन धीरे 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 सब पत्थर चल रहे हैं। और मैं आपको कैमरामैन दिखाने को कहूँगा कि देखो किस तरीके का पूरा तत्व विभाग जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बहुत ही खास, बहुत ही सुंदर। अब आपको दीवार की तरफ दिखाऊंगा अगर मैं तो, वहाँ देखिए आपको किस तरीके से नक्काशी की गई थी, जो नक्काशी उस ज़माने में भी की जाती थी लेकिन अब वो धीरे धीरे पानी के साथ झरता जा रहा है, क्योंकि बरसात है तो वो झरना ही है, आखिर सबको मिट्टी में एक दिन मिलना ही है। तो जब मिट्टी में मिल रहे हैं तो देख सकते हैं अब ये किस तरीके झरता जा रहा है। इसके ऊपर काम चलाई जा रही है, काम हो रही है लेकिन वो धीरे धीरे रिकग्नाइज हो रहा है। तो देखो एक तरीके से आयरन का सरिया भी लगा दिया गया है ताकि इतनी आसानी से ना गिरे। ये काम तो चालू है, देखते हैं कब तक ये होगा। और यहाँ एक खास मैसेज लिखा गया है, डोंट डिस्टर्ब गोल्डन फॉइल ऑन द मॉन्यूमेंट्स। पता नहीं कौन इतने महान लोग हैं जिसके ऊपर गोल्डन फॉइल चिपका जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो धमक स्तूपा जिसे बोलते हैं इसे आप स्कैन करके भी पता कर सकते हैं कि ये क्या है क्या है। और यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई है और जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगता हो आप उसे पढ़कर समझ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए स्पोर्ट्स वाला सर को ज़रूर फॉलो करें, स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको उसमें मिलेंगे। यूट्यूब पर सर्च कीजिए स्पोर्ट्स वाला सर और सब्सक्राइब कीजिए हमें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हमारे साथ हमें मिल गए हैं एक राजवीर सिंह भट्टी जी जो कि सरदार है, और इनसे हमने पूछा कि गुरु नानक जी हमेशा नीचे बैठते थे, वो सिखों के 10वें गुरु थे फिर भी कभी ऊपर नहीं बैठते थे। अब किसी एक सज्जन पुरुष, अच्छे नाम था उनका, उनने पूछा उनसे कि गुरु जी आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सिखों के गुरु हैं फिर भी आप नीचे क्यों बैठते हैं। तो उनका बहुत प्यारा सा जवाब था कि नीचे बैठने से गिरने का डर नहीं होता। और ये लाइन बहुत ही प्यारी है, अगर आप इसे समझे तो आपको फील होगा कि अगर आप जब तक नीचे रहोगे आप कभी गिर नहीं सकते। सो खुद को ऊंचाई पर लेके जाओ लेकिन वहां जाकर घमंड ना करो, तो ही ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, इस अच्छे मैसेज के साथ हम और आगे बढ़ेंगे और समाप्त करते हैं इस वीडियो को हम यहाँ पे। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ डिस्कशन शॉर्टपुट थ्रो का सेक्टर। काफ़ी बड़ा लग रहा होगा आपको ये, लेकिन क्या करे सारनाथ में ऐसा एक सेक्टर भी बना हुआ है जहाँ शायद राजा महाराजाओं के लिए कोई नियम नहीं होती होगी, और वो इस सेक्टर के अंदर से
डिस्कस और शॉटपुट फेंका करते थे। फाउल होने का कोई टेंशन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। तो ये मजाक के लिए अच्छा था, लेकिन ये शॉटपुट सेक्टर डिस्कस सेक्टर नहीं है, यहाँ फ्लावर प्लांट किए जाते हैं। लेकिन आप देख लीजिए मैनेजमेंट को और सरकार को, यहाँ से फूल गायब है, कुछ नहीं है इधर। अब ये सूखा सूखा लग रहा है। अगर मेरी वीडियो सरकार तक पहुँचे जरूर इसमें फूल लगवाया जाए, काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में। सारनाथ में सुंदरता को बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। जैसे अभी पीने को पानी नहीं है सारनाथ में, ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ यूपी से कि यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंडियंस ही नहीं फॉरेनर्स भी आते हैं और वो हमारे देश के बारे में क्या सोचते होंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे पानी की सुविधा की जाए और इसको और हरा भरा बनाया जाए। धन्यवाद दोस्तों, हम जाएंगे सारनाथ से बाहर और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगली जगह पे और किसी अगले वेन्यू पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी आर स्पोर्ट्स वाला सर, नर्चरिंग द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम आ चुके हैं सारनाथ के एग्जिट के ऊपर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ जो है, सो आपको ये बहुत सारा खूबसूरत से दिख रही होगी जो कि एग्जिबिट है, जो रह गई है चीज़ें यहाँ पे सारनाथ के पास में, वो यहाँ पे रखी गई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको एग्जिट गेट मिल जाएगा, आप यहाँ से बहुत धीरे धीरे आराम से जो है जा सकते हैं। और बाहर जाकर अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ मिलती है। बनारस की चीज़ें आपको यहाँ देखने मिल जाएगी, अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और लोकेशन पे, किसी और वेन्यू पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।